सिंघू बार्डर से खड़े हैं तो इतने खिडारी अपने सन्मान वापस कर रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है पद्म श्री करतार सिंह जिन्होंने पहलवान जी कहा जाता है। तो पहलवान जी इस करके कहा जाता कि अखाड़े के मल्ला मार मार के तक पहुँचे है। हुण तिकर खेडते पे आ, मैं तुहानूं यह भी दस देवां कई भुल जाते हैं कि पहलवान जी ने शायद खेडना छड़ता। पहलवान जी अज तक खेडते पे आ, तकरीबन 22-23 मैडल इन्हां दे वैटर विच भी आ चुके मैनूं लगता, बाकी आप मैनूं करैक्ट कर देणगे। पहलवान जी किन्ने मैडल आ वैटरन? मैं 3 ओलंपिक खेलिया जी, ते 3 एशियन गेम्स खेलिया, ते 21 बार वर्ल्ड चैंपियन बनया वैटरन दा, ते होर वर्ल्ड दे इंटरनेशनल अवार्ड ने। एशिया दे 2 गोल्ड आ, 1 सिल्वर आ, और जिहड़ी ओलंपिक 88 वाली सी उहदा मैं झंडा बगदा रहा, तो झंडा लिख के अगे चलिया सी। ते बड़ी वाह दी कृपा, बड़े ये जिहड़ा सारा कुछ आ ये तुहाडे लोकां दा आशीर्वाद आ, प्यार आ। मैं सब तो वड्डे अवार्ड ये समझना कि मैनूं लोग इतना प्यार ना करते, जिथे चल जा मैं उत्थे मैनूं प्यार इन्ना करते ना, पता नहीं रब ने की उन्होंने रहमत करता आ कि मेरे वाले उन्होंने नज़र सवली होंगी आ, तो वह खुराक मैं सारे तो ज़्यादा लगती है। तुसी कहा कि मैं झंडा बरदार सी उदों, तुसी अज भी झंडा बरदार हो, तुसी कहा कि मैं 21 बार चैंपियन है, एक बार मेरे का सिल्वर आया थोड़ा, 22 मेडल थोड़े उत्थे आए हुए है, एक सिल्वर है, पहलवान जी ने एक घटाता सी मैडल। पहलवान जी तुसी लगता भुलते पे हो अजकल, मैडल किन्ने आ गए थोड़े? ये तो मैं तुम्हें पहले भी कहा भी जो मैडल वो आते जाते रेंदे आ, जो प्यार है ना वो बहुत घट मिलता है यहोजा जिहड़ा मैनू मिलिया। और जदों 86 सियोल एशियन गेमां दे विच मैडल का काल पै गया सी, उदों पीटी ऊषा दे 3 कली दे ही, 1 रिले दा ही, ते 450 बंदे दा दल गया सी। ते जदों मिस्टर राजीव गांधी कहन लगे कि मर्द लोग बैठे देख रहे हैं, लड़की लोग मैडल जीत रही है, तो लास्ट में अपना ही गोल्ड आया जो पाकिस्तानी मारिया। और उस टाइम जो वापस आ के पी एम ओस ने लंच किया साडा, 5 लड़कियां मेरे अगे खड़िया सी, उन्होंने सेकंड करके जब मेरी आ बारी आई तो कहन लगे सोनिया जी थोड़े दूर ही, उन्होंने बुला के सोनिया जी आओ आपको पहलवान से मिलाऊं जिन्होंने मर्दों की लाज रखी। तो जो योजे कमेंट्स बजते हैं ना फिर सारिया थकावटा उतर जाए, तो सारिया जो मेहनत कीतियाँ वह मुल मुड़ जाता है। तुसी इन्ने सन्मान हासिल किए हैं, तुसी उन्हां बारे दस्या भी है, करतार सिंह जी जो सन्मान मिलता है, मैं ये सवाल हर एक नूं पुछ रहा हर खिडारी नूं, बहुत खुशी हुंदी है जो तुसी मकाम हासिल किया हुंदा उस दीआं प्राप्तियां दा ये सन्मान दिता जांदा। अज ये दुख हो रहा सन्मान वापस कर लग्या जा खुशी हो रही? मैं खुशी की गल तुहानूं दसदा, सारा हिंदुस्तान ताड़ियां बजाउंदा हुंदा नज़र रखदे आ झंडा किदां चढ़ रहा है, जन गण मन मजरी हुंदी आ, आंसू आ रहे हुंदे आ खुशी दे, ते उदों खुशी जदों फ्लैग उपर जा रहा ते ओह खुशी ते उदों रब ही जानदा आ, ते जां लोग जानदे होणगे, हर एक नूं खुशी हुंदी आ। ते लेकिन आ जिहड़ा ये साडा जिहड़ा दुख आ, असीं ते किसानां दा साडे वड्डियां दा दुख सांझा करन लई ये जो साडे काले कानून साढ़े मत्थे मढ़ रही है गौरमेंट, उन्होंने वापस कराने लिए ये साडा छोटा जिहा उपराला आ, ते असीं सारे पंजाब दे खिडारी ये अवार्ड वापस कर रहे हैं। और उदों बाद हुण देख लो बजिंदर जी आ के हरियाणे तो ही आते अपना अवार्ड वापस करदा है, राजीव गांधी रतन अवार्ड, और होर हरियाणे के भी आ रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के प्लेयर आउणगे, और जिदा सारे हिंदुस्तान के किसान रल गए इदा ही बुद्धिजीवी रल रहे हैं, इदा ही स्पोर्ट्समैन रल रहे हैं। तो मैं समझदा कि 80% लोग जड़े इस गल ते खुश हो रहे हैं कि एक काले कानून वापस कही जा लै जान, तो गौरमेंट नूं बिल्कुल हस के इहो जी मान लैनी चाहिए गल आ, जो सारा हिंदुस्तान खुश हों तो उन्होंने की प्रॉब्लम आ, तो उन्होंने एक काले कानून वापस करने चाहिए। करतार सिंह जी तुहाडी आवाज़ सरकार तक पहुँचूगी? बिल्कुल जी पहुँची, उन्होंने कन्न खोल देने सारे ने, सारा उही तो मैं कहना 80% लोग ये चाहते आ आवाज दे रहे आ, फिर हुण साढ़े छोटे छोटे बच्चे वो भी आवाज दे रहे आ, बीबियां आवाज दे रही, भैन साढ़िया आवाज दे रही, तो मेरा ख्याल आ कल उन्होंने सोचा हो कुछ, उन्होंने महाराज वाहगुरु समर्थ बख्शे और उन्होंने इस पासे सोचने की शक्ति बख्शे कि किसी के पेट से लत नहीं मारी दी, जो पेट से लत वजती आ रोजी रोटी खोई जाती आ तो कि मन दुख हों, इस करके उन्होंने ये उन्होंने
इज्जत मान नूं बरकरार रखना। करतार जी जो सन्मान मिलता उदों इन्हां सन्मानां दे नाल नाल बहुत कुछ तुहानूं होर भी दिता जांदा, तुसीं अज की कुछ वापस करना आए हो? वापस जिहड़े वार्ड साडा 40 साल मैं मेरा 45 साल कुश्ती लड़िया मैं ते उहदी कमाई ते इह है, लेकिन यह मैं लड़िया आ किसानां दी बदौलत, उन्होंने मैनूं खुराक दित्ती आ, उन्होंने साडे टूरनामेंट कराए आ, उत्थों साडे थापी मिलदी आ ते असीं लड़दे आ, साधन मिलदे सानूं ते इत्थों तक असीं पहुंचे आ, इह उन्हां दी बदौलत मिले आ, इह साडा तुश जिहा भेट असीं किसानां नूं करके इह राष्ट्रपति नूं वापस कर रहे हां। किसानों का मुल नहीं तारा जा सकता, पर पहलवान जी ने जी गल कही है कि खुराक उतों मिलती रही है, थापी उतों मिलती रही है, तो खेतों की मिट्टी चो जो पहलवान अखाड़े च लड़न जाते तो उदो फिर मैडल ही मैडल आते थे, ये कि सन्मान जो वापस करना है पहलवान जी? ये पद्मश्री आ, ये 1987 के मिले जो इको एक मैडल आया सी, ये स्पोर्ट्स का मैडल अवार्ड नहीं गा, ये कोई वधिया कोई वधिया काम करे तो उन्हूं मिलता आ, तो ये जो अर्जुन अवार्ड सब तो वड्डा अवार्ड आ स्पोर्ट्स का, ये 1982 मिलया सी, ते होर वार्ड जिहड़े अपने बहुत कुछ मिले आ, ते ये जिहड़े सेंटर गौरमेंट दे आ ये आपां उन्हां नूं वापस कर दे रहे आ। तुसीं 1982 दा जिक्र कर लिया पहलवान जी, 1982 विच वी राह रुक गए सी, अज 2020 अज वी राह रुके जा रहे आ। बहुत उस टाइम सिर्फ पंजाब दे रोके गए सी, हुण सारे हिंदुस्तान दी रोजी रोटी ते मार इन्ना फर्क आ, ते लेकिन संघर्ष उत्थों ही चलिया आ, पहला भी कई संघर्ष चले आ, तो पंजाबियों की जित हुई आ, हुण पंजाबियों के नाल लोग समझ गया पंजाबी बड़े चंगे दिल दे साफ हुंदे आ, ये हर एक की मदद करते आ, ये सारा यूथ समझ गया आ, सारा हिंदुस्तान समझ गया आ, सारा हिंदुस्तान साढ़े नाल आ, हुण एक आवाज दे विच आ के काले कानून वापस किए जाण। तुसीं ये फैसला किवें कर लिया कि दो सन्मान वापस करने हैं, क्योंकि बहुतियां कोले बहुत ज़्यादा सन्मान आ, वो एक एक सन्मान वापस कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ? ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 37 ਤੇ 37 ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਫੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਟਾ ਆ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਅਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਐਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਵਾਰਡ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 2 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਕਰਨ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਪਸ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੋਡੀਅਮ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਪੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਲਿਆਂ ਗੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਈ ਗਵਾਂਢੀ ਆ, ਕਈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ
ये जड़ा पहला किसानों का भी हंगारा भरिया बाहर वाले ने ट्रूडो प्रधानमंत्री कनेडा दे ने शरेआम कहता भी ये नजायज़ हो रही है नहीं होनी चाहिए। मेरा जापान के प्रधानमंत्री ने भी कहा हूँ कल परसों दे उत्थे भी इदा ही संघर्ष कर रहे हैं। हर शहर के टोरंटो के हजार गड्डियां लैके एडमिंटन न्यूयॉर्क सारे मतलब आस्ट्रेलिया तक इंग्लैंड के एम पी साडा उन्हें सारिया सहन कराया भी यह नजायज़ हो रहा है। तुहाडे पट्टां दा जोर सारी दुनिया ने देखिया, तुहाडे डोलियां दा दम सारी दुनिया ने देखिया, इत्थे जवानी जिहड़ी पहुंची है उसनू कहा जाता सी कि यह नशे च गलतान है, अज उस जवानी नू की कहोगे जिहड़ी जवानी इत्थे ठाठा मारती पई है? मैं बड़ा खुश हाँ कि साडी कौम नू कुछ बिल्कुल इदां कहा जाता सी ते इन्होंने दिखाता किदां प्यार नाल किदां साफ कीतियां सड़कां किदां एडे एडे बुलडोजरां नाल धक्के ला के इन्होंने खुशी खुशी इदा चा सी नचते सी नाल नाल रस्ते साफ करते सी ते इन्होंने इदा साफ किए कि बड़ा मुश्किल से इदा का ढाना जिन्होंने इन्होंने एडे नाके लाए सी कि नहीं टुटणगे, लेकिन साडे यूथ ने साडे वीरां ने मौजा करतियां साफ करता सारा रस्ते। एक आखिरी सवाल पद्म श्री करतार सिंह, इन्ने सन्मान तुहानू मिले आ हुण ये सन्मान तुसी इत्थे वापस करन आ गए हो, ये जिहड़ा अंदोलन है इसका अंजाम तुहानू की लगता? क्योंकि जदों तुसी अखाड़े च जांदे ही तुहानू पता हुंदा सीगा कि इस मल नू मैं किवें हरोना है, इस मल की किहड़ी कमजोरी है ते किवें इहनू मैं धोबी पटका मारना जां किहड़ा दा लाउणा। समां बदलदा गया, गेम्स दे रूल चेंज हुंदे गए आ, अज सरकारां किस तरीके नाल काम करदियां इस अंदोलन दा अंजाम पद्म श्री करतार सिंह नू की लगदा? बिल्कुल 100% जित होनी आ, क्यों पब्लिक की जित होनी है, पब्लिक ये साडे वेखो किदां शांतमई संघर्ष कर रहे आ, कोई किसे नू इन्हां ने साल साल दो दो साल का राशन लै लैंदा आ, अहीं किसे नू कुछ कहना नहीं पर अहीं सारा बंद कर देना आ, ते इस करके मोदी सरकार नू झुकना पैणा, झुकना चाहीदा आ, सारे कंट्री की बेहतरी लई झुकना चाहीदा आ, इहदे विच कोई आकड़ नहीं करनी चाहीदी किसे नू वी, ते संघर्ष देख लो किदां शांतमई चल रहा है, ये कोई शक नहीं कि सारा हिंदुस्तान चाहता आ शांति चाहता आ साफ सुथरा वातावरण चाहता आ, तो इस करके सारे रल बैठ बैठना चाहिए। साढ़े भाईचारे इदा दे आ टुट नहीं सकते, चाहे जातवाद की गल कर चाहे कोई भी गल कर, एक दूसरे को ही जफियां पाने गलवकड़ियाँ च लेने, तो मैं समझता नहीं कि साढ़े भाईचारे नहीं खराब हो सकते कभी भी। बहुत धन्यवाद पद्म श्री करतार सिंह जी, ये सन्मान असी उम्मीद करते हैं तुहाडे कोल ही रहन, क्योंकि इन तो नौजवान पीढ़ी नूं सेध मिलती है, सरकारां नूं भी सेध मिल जाए, ये सन्मान तुहाडे कोल रहन असी उम्मीद करते हैं पद्म श्री करतार सिंह। बस ये गौरमेंट की मेहरबानी आ, बड़ी चंगी गल आ, सारे की दुआ सुन लैन, फरियाद सुन लैन, जो मर्जी सुन लैन, ये अहीं हस्ते खेडते रहिए। चलो बहुत धन्यवाद पद्म श्री करतार सिंह, पहलवान करतार सिंह, जिन्हां दी गल्लां बातां तुसीं सुनियां, जिन्हां दी प्राप्तियां तुसीं सुन लियां, इस जमीन तो यह संघर्ष आ जिहड़ा वह उस अखाड़े तक पहुँच चुकिया, जिहड़े अखाड़े दे विच इन्हां ने मल्ला मार के इन्ने सन्मान हासिल कीते है। जे सिस्टम नूं अज भी समझ नहीं आ रहा, जिन्हां खिडारियों ने अपनी पूरी जिंदगी ला दित्ती है सन्मान हासिल करन दे लई, उन्हां दी कमाई है, वह अज वो आपकी कमाई है जिहड़ी वह सरकार नूं वापस करन जा रहे हैं। यह सवाल बहुत वड्डे है सरकारां अगे, सरकारां नूं सोचना चाहिए ये सन्मान वापस लैन लग्या ते खेती कानूनों नूं लागू करन लग्या, सारे सवाल सरकारां अगे आ, जवाब सरकार ने देना। कैमरा पर्सन प्रदीप दे नाल मैं KP सिंह, जस्ट पंजाबी दे लई दिल्ली तों।